तो दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई नई ऐप योनो के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि योनो ऐप क्या है और इसके आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि योनो ऐप क्या है। दोस्तों योनो ऐप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है और इस ऐप की मदद से आप बैंकिंग की बहुत सारी फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपका SBI के अंदर एक अकाउंट नहीं है तो आप इस ऐप की मदद से SBI के अंदर आप अपना एक अकाउंट बना सकती हैं। लेकिन अगर आप SBI के एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है ये सर्विसेज और किस तरीके से आप SBI के अंदर एक नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसको बताने के लिए मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्किल टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि किस तरीके से SBI योनो ऐप में एक नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं और SBI योनो ऐप की सर्विसेज क्या हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों ये जो ऐप आप देख रहे हैं ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई नई ऐप जिसका नाम है SBI योनो। तो चलिए देख लेते हैं क्या है योनो ऐप और किस तरीके से आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसको ओपन कर लिया। दोस्तों आप इस ऐप को प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही योनो ऐप हमारे सामने ओपन हुई है, हमारे सामने दो ऑप्शन आ गई हैं कि अगर आप SBI के एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आप योनो ऐप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका SBI के अंदर एक अकाउंट पहले से नहीं है तो आप नीचे वाली ऑप्शन जो है आई एम न्यू टू SBI ओपन ए SBI अकाउंट नाउ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक नया अकाउंट ओपन करने के बारे में सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन ए न्यू SBI अकाउंट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर दो तरह के अकाउंट ओपन करने के लिए ऑप्शन सामने आ रही है। सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है डिजिटल सेविंग अकाउंट और दूसरी जो ऑप्शन है वो है इंस्टा सेविंग अकाउंट। तो अगर हम बात करें इन दोनों अकाउंट्स में क्या फ़र्क है तो उनके बारे में नीचे डिटेल में लिखा हुआ है कि ये जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है ये एक पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन है और यहाँ पर आपको एक बार सिंगल टाइम ब्रांच में विजिट करना होगा ताकि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जा सके। इसके अलावा आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट में एक पर्सनलाइज्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा और इसके अंदर आपको 31 मार्च 2019 तक कोई भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंस्टा सेविंग अकाउंट की, ये भी एक पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन है और इसके अलावा आपको यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर आपको ब्रांच में विजिट नहीं करना पड़ेगा और आपको इसके साथ फ्री रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। और इसके अलावा आपको 31 मार्च 2019 तक किसी भी तरह के मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लगेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर ऊपर हमें अप्लाई न्यू की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि ये एक पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन है और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बार ब्रांच में विजिट करना होगा और ये यहाँ पर इसके अंदर आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा और किसी भी तरह के मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं है 31 मार्च 2019 तक। तो चलिए यहाँ पर नीचे नेक्स्ट बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपसे पूछा गया है और यहाँ पर आपको अगर कोई रेफरल कोड है ये वैसे ऑप्शनल है, आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों जैसे ही मैंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल की, हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो मैंने फिल किया था उस पर एक OTP मुझे आ गया है, तो यहाँ पर मैं उसको फिल कर लेता हूँ। दोस्तों OTP को फिल करने के बाद हमारे सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें इस ऐप के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। नीचे हमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए मैं सभी ऑप्शन को फिल कर लेता हूँ, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों सारी डिटेल फिल करने के बाद जब मैं नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर पहुँचा तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजिटल सेविंग अकाउंट और इंस्टा सेविंग अकाउंट आर अवेलेबल फॉर कस्टमर हु आर पेइंग लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया ओनली। चलिए मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल डिटेल वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, या फिर जैसे कि हम अपने आधार कार्ड के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर अपने आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर फिल कर सकते हैं या KYC नंबर को भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देता हूँ, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप इस सारे फॉर्म को फिल करने के बाद अपना एक डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरा SBI में पहले से ही एक अकाउंट है, तो जैसे ही मैंने आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंटर की तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज डिस्प्ले हो गया कि हमारा पहले से ही एक SBI में अकाउंट है, इसलिए हम यहाँ पर ये जो डिजिटल सेविंग अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका पहले से ही SBI में एक अकाउंट है तो आप इस ऐप के अंदर किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दोबारा से ऐप के जो फर्स्ट इंटरफेस पर जाना होगा।
तो दोस्तों हम एक बार फिर से SBI की योनो ऐप के जो फर्स्ट इंटरफेस पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा पहले से ही SBI में एक अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर ऊपर वाली जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा कि यहाँ पर योनो ऐप के लिए रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक पहले से ही इंटरनेट बैंकिंग की आईडी है तभी आप इस ऐप पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेरे पास एक इंटरनेट बैंकिंग की आईडी है, तो चलिए मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने अपने इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से योनो ऐप के अंदर लॉगिन किया तो हमारे सामने एक ऑप्शन ओपन हो गई है। यहाँ से हमें कहा जा रहा है कि अगर आप इस ऐप के अंदर लॉगिन करना चाहते हैं तो इसके लिए लॉगिन करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है उसकी मदद से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप इस ऐप के लिए एक अलग से MPIN सेट कर सकते हैं जो कि 6 डिजिट की होगी। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पर इस ऐप के लिए एक नई MPIN सेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक नई MPIN सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक मैसेज मिला है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सक्सेसफुली इस ऐप के अंदर रजिस्टर आपने कर लिया है। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन पेज पर चला जाता हूँ और दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपने MPIN की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर MPIN की मदद से लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही हम SBI योनो ऐप पर लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर एक सेंटर में एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल के आसपास 4 और सर्कल बने हुए हैं जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की सर्विसेज लिखी हुई दिखाई देंगी। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है वो है माई रिलेशनशिप। तो दोस्तों इस आइकन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसके अंदर आपका जो SBI के साथ जितने भी अकाउंट होंगे, जैसे कि सेविंग अकाउंट है या फिर कोई डिपॉजिट अकाउंट है, इसके अलावा कोई लोन अकाउंट है, या फिर आपने किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की है, और इसके अलावा आपका जो बैलेंस है उसकी डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो इसके अलावा जो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रही है, आइकन दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, तो इसके अंदर जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपको कुछ और सर्विसेज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और लोन जैसी ऑप्शन मिल जाती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लोन आइकन पर क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या हम यहाँ से डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने लोन ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन ओपन हो गई हैं। यहाँ पर है होम लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इन सभी तरह के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इन लोन के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने होम पेज पर चले जाते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है वो है शॉप, और उसके ऊपर है बुक एंड ऑर्डर। तो चलिए इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पर शॉप आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो SBI योनो के जो पार्टनर ऐप है, जैसे कि Amazon, Myntra या फिर Jabong, यहाँ पर आप जैसे ही इस ऐप की मदद से शॉपिंग करेंगे तो आपको अच्छा खासा जो डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप इस ऐप की मदद से यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए दोबारा से हम होम पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम एक नेक्स्ट आइकन जो है बुक एंड ऑर्डर, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसके अंदर दोस्तों हम जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ट्रैवल करते हैं तो वो ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप अगर इस ऐप की मदद से SBI योनो ऐप की मदद से टिकट बुकिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर आप कैब बुकिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोबारा से होम स्क्रीन पर चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर है फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट और आस्क SIA। तो चलिए हम फंड ट्रांसफर के अंदर देख लेते हैं कि क्या हमें मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको एक UPI सर्विस भी मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों आप बहुत ही इजीली बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं और इजीली उसको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए वापस से होम स्क्रीन पर चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सेंटर में एक बिल पेमेंट की ऑप्शन मिल रही है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर आप किस तरह के बिल पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बिल पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पर एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे हमें 2 ऑप्शन दी गई हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है कि बिलर यू कैन पे, और नीचे है पे एंड रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पे एंड रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा और आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल रिचार्ज और डिश रिचार्ज, इसके अलावा ब्रॉडबैंड लैंडलाइन की रिचार्ज की ऑप्शन, और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक रेंटल पेमेंट की ऑप्शन भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अलग अलग तरह के मोबाइल और डिश रिचार्ज कर सकते हैं इस योनो ऐप की मदद से। दोस्तों हम यहां पर बैक चले जाते हैं अपने होम स्क्रीन पर।
तो यहाँ पर आपको एक आस्क SIA ऑप्शन भी मिलेगी यहाँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप SBI के SIA एजेंट से बात कर सकते हैं और आपको जो प्रॉब्लम होगी वो ऑनलाइन वहाँ पर आपको सोल्यूशन आपका दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ और ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। अब दोस्तों ऊपर जो लेफ्ट साइड पर तीन लाइनें देख रहे हैं, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का लेफ्ट साइड बार ओपन हो जाएगी। तो आपने होम पेज पर जितने भी ऑप्शन देखे थे वो यहाँ पर एक साइड बार पर यहाँ पर एक लिस्ट के तौर पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये थी दोस्तों SBI की नई ऐप योनो ऐप, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस ऐप के अंदर आपको कौन कौन सी ऑप्शन मिल रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्किल टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए स्किल टीचर। नमस्कार।